how to fix Fednet app not responding and black screen problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टिकी राज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा Fednet ऐप के रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके ये Fednet का जो ऐप है उसके अंदर पे भी इस तरीके का प्रॉब्लम है तो आप दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों सॉल्यूशन कि कैसे आपका यह प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्योंकि दोस्तों इस तरीके का प्रॉब्लम हमारे ऐप में देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसलिए प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि हमारे ऐप के अंदर पे बग वगैरह का प्रॉब्लम इशू हो जाते हैं, या फिर ऐप डेटा क्रैश होते हैं, या फिर ऐप डेटा करप्ट होते हैं, तो उन सब के वजह से प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल क्या सॉल्यूशन करना है वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर आपको फिक्स करना है प्रॉब्लम तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने जो मोबाइल है एक बार उसको ही रिस्टार्ट करके देखिए, ठीक है, क्योंकि रिस्टार्ट से दोस्तों कई बार प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व हो जाते हैं। तो एक बार रिस्टार्ट करके देखें, अगर प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्व तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च करना है Fednet ऐप। सर्च करने के बाद दोस्तों इस ऐप को अपडेट करना है, क्योंकि ऐप अपडेट करने से आपका बग प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है, और आपके ऐप डेटा क्रश हो रहा है तो उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और अगर ऐप के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ऐप मिस बिहेव कर रहे तो वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और अगर आपके ऐप में लेटेस्ट अपडेट है तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऐप अपडेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऐप को अपडेट कीजिए। अपडेट करने के बाद बैक कीजिए, बैक करने के बाद मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों आप जो है चेक करके देखिए कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। इतना में दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्व तो दोस्तों आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन फॉलो करना है। तो नेक्स्ट पे दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है, और आपको जाना है ऐप नोटिफिकेशन पे। दोस्तों यहाँ पे आपको ऐप नोटिफिकेशन मैनेज ऐप इंस्टॉल ऐप मैनेजमेंट ऐप मैनेजर ऐप्स करके ऑप्शन मिलेगा, तो उसमें आपको जाना है एंड देन Fednet ऐप को सर्च करना है, फोर स्टॉप कर देना है, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज एंड कैश क्लियर स्टोरेज ओके, उसके बाद बैक कीजिए। दोस्तों मोबाइल डेटा एक्सेस वगैरह यहाँ पे चेक कीजिए, अगर परमिशन वगैरह दोस्तों यहाँ पे अलाउड रहने का ऑप्शन है तो कीजिए, नहीं है तो छोड़िए, ठीक है। तो ये करने के बाद आप मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिएगा। रिस्टार्ट करने के बाद एक बार दोबारा से चेक करके देख लीजिए, दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाते तो दोस्तों आपको जाना है प्ले स्टोर में, उसके बाद ऐप को कर देना है अनइंस्टॉल, ठीक है। अनइंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको बैक करना है, और आपको जाना है सेटिंग एंड देन आपको सिस्टम पर जाके रीइंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आपका यहाँ पे ऐप रीइंस्टॉल हो जाएगा तब दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ऐप को पहले अनइंस्टॉल कीजिए, सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिए, और उसके बाद ऐप को रीइंस्टॉल कीजिए, ठीक है। जैसे ही दोस्तों आपका ऐप रीइंस्टॉल होगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों कुछ आप अपने Fednet ऐप प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।